Hi, grade 3rd. In previous class, we had completed exercise A. I have explained you all the rules again of do and does, and I also explained you how to use simple present tense. And I had also explained you about the different tenses in which we can talk each and every sentence, that is past tense, present tense, and future tense. Today I am starting with present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है? हिंदी में उसको चालू वर्तमान काल बोलते हैं, और that means कि हम जो भी action अभी कर रहे हैं, whatever action we are doing right now, right? हम उसकी बात करते हैं. इसमें एक चीज़ important है, that is हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रूल ऑफ इज एम आर यूज़ करते हैं. रूल ऑफ इज एम आर, हम इज एम आर का रूल यूज़ करते हैं, दैट इज आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, ही, शी, इट इज, दे आर, ही, शी, इट इज, दे आर, प्लस आईएनजी फॉर्म. मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जब भी यूज़ करते हैं, वी यूज़ द रूल ऑफ डू एंड डज, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी ऑलवेज यूज़ इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब, राइट? नाउ वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन still going on at the time of speaking. मतलब हम ऐसे action की बात करते हैं जब उसकी बात हो रही होती है, उस time पे वो action continue होती है, मतलब कि वो action अभी भी चल रही है, it is not completed yet, ठीक है? तो हम उस time पे present continuous tense की बात कर रहे हैं. जैसे for example, I am explaining you द चैप्टर नंबर 10. मैं अभी आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड दिस एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. मैं अभी भी इस एक्शन के साथ ही हूँ, मैंने ये एक्शन ख़त्म नहीं कर दिया है. तो आई एम यूजिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, मैंने एम यूज़ किया और उसके साथ एक्सप्लेनिंग यूज़ किया, एक्सप्लेन प्लस आई एन जी. तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस. मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी यूज एम इज आर एंड एडिंग आई एन जी टू द मेन वर्ब टू चेंज इन टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. जैसे मैंने बताया, हम एम इज आर एंड आई एन जी यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करने के लिए, राइट? द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम. द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम. जैसे स्टूडेंट्स है, दे आर प्लूरल, तो प्लूरल मतलब दे के साथ आर आता है, तो वी एडेड आर हो गया. एंड हमारा मेन वर्ब है स्टडी, तो स्टडी के साथ आएगा स्टडिंग, ठीक है? मिस्टर राव इज ड्राइविंग द कार. मिस्टर राव इज क्यों यूज हुआ? क्योंकि मिस्टर राव इज ही के साथ क्या आता है? इज. मिस्टर राव इज ड्राइव. ड्राइव मेन वर्ब है, मतलब मेन एक्शन कौन सा है? ड्राइव. तो वो एक्शन को कंटिन्यूस, मतलब अभी भी वो कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए आई हैव टू एड आई एन जी फॉर्म टू इट. सो मिस्टर राव इज ड्राइविंग अ कार, राइट? लीजी इज प्लेइंग सम गेम्स ऑन कंप्यूटर. लीजी कंप्यूटर पे थोड़े गेम्स खेल रही है. सो लीजी इज गर्ल. फॉर गर्ल इट इज शी, विद शी विल यूज इज. सो वी हैव यूज्ड इज हियर. द मेन वर्ब इज प्ले. फॉर प्ले वी हैव चेंज्ड इट टू कंटिन्यूअस फॉर्म, दैट इज आई एन जी. सो इट इज प्लेइंग. लीजी इज प्लेइंग द गेम्स ऑन द कंप्यूटर, राइट? तो जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना होगा सेंटेंस को,
what we have to do is we have to use a perfect word, perfect verb from is mr. हमें is mr में से perfectly verb select करना होगा and with that we also have to add ing form. We'll add ing form to it. So the sentence will be converted into present continuous tense. Right? Now we'll start with exercise B. Write CW in today's date. Fill in the blanks with the present continuous forms of verbs given in the bracket. मतलब हमें क्या करना है, हमें ये जो हमें मेन वर्ब्स दिए गए हैं उस मेन वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करके हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. इसमें हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी होगी. एवरी टाइम वी विल चेक ऑल द थ्री थिंग्स एंड देन विल कन्वर्ट देम इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. नंबर वन, हम प्रॉपरली नाउन ढूंढेंगे कि किस नाउन से रिलेटेड ये सब ये सेंटेंस है, ताकि हम उसके प्रॉपर प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकें. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट वैशाली, सो वैशाली इज गर्ल, फॉर गर्ल इट इज शी. ठीक है, तो हम जब तक प्रॉपरली प्रोनाउन सॉरी हमारे नाउन्स प्रॉपर नाउन्स या नाउन्स नहीं ढूंढेंगे, उसके अलावा हम प्रोनाउन में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड थिंग, हम फॉर्म यूज करेंगे. हम जो हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं दैट इज एम आर. इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब है. हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब में उस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब ऐड हो रहा है वो हम चेक करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एम के आई के साथ एम यूज़ होता है, वी के साथ आर यूज़ होता है. इफ़ इट इज़ यू इन बोथ द केसेस सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल we use are there, and if we are using out of anyone that is he, she or it we use is, and for they we always use are. So we have to understand this. And the third foremost thing is whenever we are talking about the main verb we have to convert that main verb to the ing form. ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली आईएनजी लग जाता है. कई बार ऐसा होता है वो वर्ड एक वर्ड निकाल के आईएनजी फॉर्म होता है, तो वो हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी. राइट नाउ, प्रेम एंड रजत डैश अ लेटर. प्रेम एंड रजत मतलब दे के साथ आर. प्रेम एंड रजत आर. रीड इज़ द मेन वर्ब, सो रीड का होगा रीडिंग. प्रेम एंड रजत आर रीडिंग अ लेटर. नंबर टू, समबड़ी डैश डैश एट द डोर. समबड़ी मतलब कोई एक, हम किसी एक की बात कर रहे हैं. समबड़ी ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, या फिर इट भी हो सकता है. ठीक है, सो ही शी या इट के साथ हम यूज करेंगे इज समबड़ी इज knock. knock का होगा knocking. somebody is knocking at the door. number three, john and rita. john and rita मतलब they के साथ are. they are going. go का going. they are going to the circus. the artist. the artist plural नहीं है, singular है. ना ही प्लूरल के लिए एस फॉर्म यूज़ नहीं हुआ, एस ई एस कुछ भी यूज़ नहीं हुआ. सो इट इज़ सिंगुलर. द आर्टिस्ट सिंगुलर. मे बी ही, मे बी शी, वी डोंट नो, बट इट्स सिंगुलर. सो विल यूज इज. द आर्टिस्ट इज मिक्सिंग कलर्स. मिक्सिंग द कलर्स राइट. एवरी वन. एवरी वन मतलब सारे. सारे मतलब प्लूरल. प्लूरल के लिए दे फॉर्म. सो एवरी वन आर वर्क का हो जाएगा वर्किंग साइलेंटली. एवरी वन इज वर्किंग साइलेंटली. सारे चुपचाप काम कर रहे हैं. नमन. नमन इज ही के साथ इज. नमन इज साइकिलिंग. साइकिल का साइकिलिंग. साइकिलिंग टू स्कूल. नंबर सेवन,
आई के साथ एम, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग इन द पार्क, मैं पार्क में चल रहा हूँ। समीर, समीर इज, समीर के साथ इज मैंने क्यों यूज़ किया, बिकॉज समीर इज़ अ बॉय एंड फॉर बॉय वी यूज ही, सो फॉर ही इट इज, समीर इज बेकिंग, बेकिंग अ केक, राइट। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास, एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज बी इन योर टेक्स्ट बुक। With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.